बागेश्वर धाम में आज एक दूसरे के हो जाएंगे 121 जोड़े, भोले बाबा के आशीर्वाद के साथ लेंगे 7 फेरे। बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में आज 121 जोड़े शामिल होंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से यह सभी जोड़े एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेंगे और 7 जन्मों के पवित्र दाम्पत्य बंधन में बंध जाएंगे। सुबह 9 बजे से धाम पर समारोह की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में आज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हो रहा है। इस समारोह में 121 जोड़े महाशिवरात्रि के अवसर पर भोले बाबा के आशीर्वाद के साथ 7 फेरे लेंगे और दाम्पत्य जीवन के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। बागेश्वर धाम मंदिर प्रबंधन ने इतने बड़े विवाह सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी जोड़े शादी की रस्मों को पूरा करने के लिए धाम में पहुंच चुके हैं। खुद बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। इस आयोजन में आने वाला खर्च भी बागेश्वर धाम की ओर से वहन किया जा रहा है। सम्मेलन में विवाह के लिए पहुंची सभी बेटियों के लिए बागेश्वर धाम सरकार की ओर से आकर्षक कन्यादान और जीवन को चलाने के लिए गृहस्थी के सामान भी भेंट किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम पर बीते कई वर्षों से गरीब परिवार की लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया जाता है। इसके लिए 6 महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार विवाह के लिए पंजीकृत लड़कियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। धाम प्रबंधन के मुताबिक इस बार 121 कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है। ठहरने और खाने पीने के हैं इंतजाम। सामूहिक विवाह सम्मेलन में आने वाले वर पक्ष और वधु पक्ष के अलावा रिश्तेदारों के ठहरने व खाने पीने के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। इन सभी के लिए अलग अलग मंडप बनाए गए हैं। वर पक्ष के लोग और कन्या पक्ष के लोग अपने अपने मंडपों में ठहरेंगे, जहां अपने रीति रिवाज के मुताबिक परंपरा निभाएंगे, फिर यहीं से शादी के लिए मुख्य मंडप में आएंगे। इसके लिए मुख्य विवाह मंडप के अलावा वर के लिए 121 और वधू के पक्ष के लिए 121 मंडप बनाए गए हैं। भगदड़ से बचने के लिए वॉलंटियर्स तैनात। इस आयोजन में भीड़ होने के बावजूद शांतिपूर्वक कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए बागेश्वर धाम प्रबंधन की ओर से वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। चूँकि आमतौर पर खाने पीने के लिए ही भगदड़ होती है, ऐसे में धाम प्रबंधन ने ऐसी व्यवस्था की है कि सभी को खाने के पैकेट उनके मंडप में ही पहुंचा दिए जाएंगे। इसी प्रकार वर पक्ष और वधु पक्ष आवागमन के लिए अलग अलग मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं। हर बेटी को मिलेंगे 70 उपहार। धाम प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक इस समारोह में शादी के लिए आए सभी जोड़ों को कुल 70 उपहार दिए जाएंगे। इसमें टीवी, फ्रिज, अलमारी, कूलर, सोफा, बेड, गद्दा, रजाई, रामचरितमानस, बिछिया और सोने की कील आदि शामिल है। इन सभी उपहारों की खरीद पहले ही हो चुकी है। इनमें से ज़्यादातर सामान धाम प्रबंधन की ओर से मंडपों पहुंचा दिए गए हैं। वहीं कुछ उपहार विवाह संपन्न होने पर खुद बागेश्वर सरकार के हाथों भेंट किए जाएंगे।